उत्तराखंड से ये खबर, जहां पर विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में हाथों में गन लिए विधायक जी डांस करते नजर आ रहे हैं। अपने पैर का ऑपरेशन करवाकर घर लौटे प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने कुछ समर्थकों के साथ ये दावत कब रखी थी, वीडियो कब का है ये साफ नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन पुराना ये हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। इसमें न केवल उत्तराखंड के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हाथों में रिवॉल्वर और एक कार्बाइन लेकर डांस भी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है ये साफ नहीं, लेकिन सूत्रों से ये पता चल रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो शख्स है जिसे आपने चुनकर विधानसभा भेजा है। ये वो शख्स है जो जनता के एक हिस्से को, एक इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये कितने जिम्मेदार हैं ये जरूर यहां पर समझना होगा। जो रिवॉल्वर लहरा रहे हैं उनके लाइसेंस इनके पास है या नहीं, और तमाम जो जिस तरह का बर्ताव इनका रहा, इसके लिए क्या इनकी जवाबदेही भी तय होगी या नहीं, सवाल इस पर बने हुए हैं। लेकिन अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कर्नाटक से है, जहां पर सियासी संकट मुंबई तक पहुंचा हुआ है और वहां भी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार को बागी विधायकों से मिलने से रोके जाने पर हंगामा छिड़ गया है। डीके शिवकुमार को होटल के बाहर ही रोक दिया गया, वो बागी विधायकों से मिलने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने दावा ये तक किया है कि होटल में उनका कमरा बुक है, लेकिन उन्हें दोस्तों से मिलने पर रोका जा रहा है। चौदह ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 13 विधायकों के इस्तीफे पर विचार भी हो रहा है, बातचीत स्पीकर की तरफ से भी आगे हो रही है। लेकिन इसी बीच संकट मोचक की भूमिका में डीके शिवकुमार एक बार फिर से हैं, लेकिन क्या उनकी ये कोशिशें रंग लाएंगी, ये बड़ा सवाल कर्नाटक के इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए बना हुआ है। I have booked a room here. I have booked a room here. I have a card here. My room is there. My friend is staying here. My friends are staying here. They are my brothers. We have lived together. There be a small problem between the family. We have to negotiate in the family. We can't go for a divorce immediately. No, no question of threatening. We love each other. We respect each other. We have done politics with each other. Yesterday, how can a BJP people come and meet them? I have no objection. He has gone to Bombay. Yes, sir. He wants to meet his friends there. And if they consent
MLAs are going to agree. Let him meet and come back. What Sir, Congress says that you are responsible for the entire thing. Yes, as far as Congress telling so many things, for all this development, Congress is responsible. तो यहाँ पर डीके शिव कुमार ये दावा कर रहे हैं कि होटल में उनका भी रूम बुक है लेकिन उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा. बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं साजिश का. दूसरी तरफ बागी विधायकों को दोस्त बता रहे हैं कि उनसे बातचीत करनी है लेकिन खबर विधायकों की तरफ से ये भी है कि वो नहीं मिलना चाहते. तो ये जो एक टकराव की स्थिति तनाव की स्थिति बनी हुई है लगातार कर्नाटक से लेकर मुंबई तक. लेकिन अब इसका अंत किस दिशा में होता है सबके मन में ये सवाल इस वक्त है. 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं जिनमें से दो निर्दलीय बाकी कांग्रेस के विधायक. कांग्रेस इन्हें अपने खेमे में जुटाने की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार को लेकर जो अस्थिरता कर्नाटक में दिखाई दे रही है बीजेपी आज उसको लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है. यानी सड़क पर संग्राम तय है. मुंबई में होटल के बाहर तमाशा हो रहा है तो बेंगलुरु में गठबंधन और बीजेपी दोनों धरना प्रदर्शन करने वाले हैं.